नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर की शुरुआत, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर के विराट नगर में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इमेत्र संचालक से 4 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाश पैसे लेकर फरार हो गए हैं। तो आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट भी की है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के विराट नगर में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। तो इमेत्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसके चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हुआ और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई तो कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। राजपुरा के टस्कोला का कई पूरा मामला जयपुर के विराट नगर में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर इस समय की, बड़ी जानकारी के साथ। घटना से गुस्साए हैं लोगों ने, सड़क जाम भी कर दिया है। तो समझाइश के बाद मामला शांत करवाया। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए और सड़क को जाम कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने समझाइश के साथ यहां पर लोगों को शांत कराया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रवि मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि यहां पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे रवि। तो मामला ये है सर जी, नरेंद्र सिंह की यहाँ एक मित्र की शॉप है, मिनी बैंक की दुकान, जहाँ करीब रात बजे दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उनको रस्ते में रोक लिया और 4 लाख से भरा बैग छीनने की कोशिश की। नरेंद्र सिंह ने खूब छुड़ाने की कोशिश की, फिर उन्होंने हवा फायरिंग की तो सड़क के मारे उसने बैग छोड़ दिया। आस पास के लोग इकट्ठे हो गए तब वो बदमाश वहां से भाग गए। जी रवि, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। आज से 4 दिन पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, आए दिन ऐसी घटना विराट नगर में होती रही है। जी लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर नाकेबंदी भी की गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है जिसके चलते सड़क को भी जाम कर दिया गया। रवि, बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल रहेगा ग्रामीणों में, क्योंकि 4 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी फायरिंग की और फिर आज फिर घटना हुई, आज से महीने 2 महीने पहले भी घटना हुई थी और पुलिस के ऊपर एक सवाल निशाने की आए दिन घटना ही होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी बदमाश अभी पुलिस तक नहीं चढ़ा। जी वही जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो पुलिस के ऊपर ये सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि आए दिन ये घटनाएं होती है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जी जी रवि, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां यहां पर 4 लाख की लगभग लूट की गई है और सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है इलाके में और जो लोग थे, स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला इस घटना के बाद से और यहां पर सड़क को जाम भी कर दिया गया, लेकिन यहां पर समझाइश के बाद यहां पर लोगों को शांत कराया गया है। ये पूरा मामला जयपुर का बताया जा रहा है जहाँ घटना से गुस्साए हैं लोग और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में यहां पर लूट की घटना को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है लुटेरा और यहां लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देख सकते हैं आप। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लुटेरों को ढूंढने में लग गई है अब। हालाँकि यहाँ पर नाकाबंदी भी कर दी गई है जैसे कि जो लुटेरे हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि पुलिस ने इलाके में कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर दी है।